हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी को और एक नया ब्लॉग में। तो दोस्तों अभी तो कितना 10-11 बज रहा होगा, जैसे 10-11 तो नहीं बजा होगा, 9:30 नहीं तो 10 बज रहा होगा। तो हम लोग यहाँ से कल चले जाएंगे और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है हम दोनों को। एक्चुअली तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है यहाँ पे हम लोग आए हैं, और यहाँ के जो दीदी लोग होते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे होते हैं उन लोग। और दीदी का तो हस्बैंड नहीं है, बस बेटी एक बेटा एक है। हम लोग कल यहाँ से आए, पता नहीं कितना बजे जाएंगे, एक बस के कितना मिनट में है बोला ट्रेन बैतूल। तो वो मेरा दीदी मेरा सब्सक्राइबर ही था, वो मेरा वीडियो वगैरह देखता है। तो वीडियो देखने के बाद फिर हमसे इंस्टाग्राम में नंबर मांगा, तो बैतूल ने बोला है तुम्हारा नंबर कोई मांग रहा है, लड़की है। तो हमने बोला दे दो, लड़की है तो कोई बात नहीं, लड़का होने से मत देना, ऐसे बोल दिया। तो बोला लड़की है तो नंबर दे दिया। तो ऐसे करते करते हम लोग बात करने लगे, पूरा घर का बात, ऐसे अपना बात होता है ना, तो वही सब बोलने लगे एक दूसरे को। वो भी अपना बात बोलते हैं, मैं भी अपना बात बोलती हूँ, तो एक घंटा डेढ़ घंटा ऐसा हो जाता हम दोनों बात करते। तो हम लोग को बहुत बुलाया है। तो नागालैंड से आने के बाद सोचा है दीदी इतना बुला रहे हैं हम दोनों को, तो चलो वहाँ पे चले जाते हैं एक बार, तो जाने में क्या जाता है। तो हम लोग यहाँ पे आए हैं, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा है और बहुत ही ज़्यादा अच्छे हैं। वो तो सुबह स्कूल में चले गई, वो टीचर है। तो अभी हम लोग तीन लोग का, उसका बेटी भी स्कूल में गई है, उसका बेटा है और बैतूल है। और मैंने तो क्या चाय और ब्रेड बना के उधर ही रख दिया है, क्योंकि वीडियो से वो मुझे बनाना था ना, इसीलिए। और मैं तो कल वीडियो भी अपलोड नहीं की हूँ, क्योंकि थोड़ा टेंशन होता है गाइस। अभी मैं अच्छे से बैठ के सब कुछ बता दूँगी, सब कुछ स्टार्ट कर दूँगी। हाँ, घना कॉमेंट आता है मेरे में, बहुत ज़रा बुरा लगता है। कल तो मैं इसी के लिए वीडियो नहीं बनाई थी, तुम सोचने लगी थी ये कंजूस और क्या बोलता, कोई बात नहीं बोलने दो। बट वो एक चीज़ बोला है रिंदी का वर्ड, मैंने उसका मैसेज ही डिलीट कर दिया, गलती किया था, उसका मैसेज मैंने डिलीट किया था, नहीं तो उसका आप लोगों को मैं दिखा देता क्या बोला है। इतना गंदा सा बोला है रिंदी बिंदी। अबे हम किसके साथ कुछ किया है क्या, कुछ गलत किया है क्या? मैं तो अपना ही वीडियो बनाती हूँ, अपना लाइफ का वीडियो, हम दिन में क्या क्या करते हैं वो सब बताती हूँ, दिखाती हूँ। तो मैंने सोशल मीडिया में आके किसी को गाली दिया है क्या, किसी का कुछ बिगाड़ा है क्या? मैं तो अपना ही अपना वीडियो बना रहा हूँ, ऐसा भी मत बोलो यार। बहुत ज़्यादा गंदा वर्ड इस्तेमाल करते हैं आप। मैंने आप लोगों का कुछ बिगाड़ा है क्या? नहीं ना, मैं तो बस अपना ही वीडियो वगैरह बनाती हूँ, और खाने का, कुकिंग का। तो मैंने ना वीडियो में किसी को गाली दिया, ना आप लोगों को गाली दिया। और वीडियो अगर मुझे इतना पसंद नहीं करते हो तो मत देखो, और गंदा कमेंट भी मत करो। तो मैंने थोड़ी ना आप लोगों को ये वो बोला, हम तो कुछ भी नहीं बोला यार। तो आप लोग कितना गंदा कमेंट क्यों करते हो? प्लीज़ आज से ऐसा गंदा कमेंट मत करो। अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है आप लोग को तो मेरा वीडियो मत देखो। हम ज़बरदस्ती नहीं बोलेंगे कि आप लोग मेरा वीडियो देखो, और मेरा वीडियो देखते ही रहो, ऐसा नहीं बोलेंगे। अगर मुझे पसंद नहीं आ रहा है आप लोग को, मुझे पसंद नहीं आता तो मत देखो, और उसमें घुस के गंदा कमेंट भी मत करो। क्योंकि मेरा माँ बाप, बहन भाई, मेरा सासू माँ, ससुर, देवर, ननद, सब लोग मेरा कमेंट चेक करते हैं। मेरा पापा, सबसे ज़्यादा मेरा पापा को मेरा कमेंट चेक करता है। इतना गंदा वर्ड बोलते हो, ऐसा भी मत बोलो यार। हाँ, वो हम लोग का वीडियो तो फैमिली मेम्बर भी देखता है, बच्चा देखता है, बूढ़ा देखता है, जवान देखता है, तो कमेंट तो हर कोई चेक करता है। लोग बोलते हैं कि गंदा कमेंट में ध्यान मत दो, लेकिन हम लोग जब मोबाइल खोलते हैं उसी में ही ध्यान जाता है गंदा कमेंट में। बुरा कमेंट, अच्छा वाला कमेंट तो देख के थोड़ा दिल खुश होता है, लेकिन उसमें ही सबसे ज़्यादा उसमें चला जाता है हम लोग का दिमाग। तो मैं तो अभी नया भी नहीं कहूँगी, एक साल से ज़्यादा हो गया मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर भी मैं ये सब कमेंट द्वारा गंदा कमेंट में सहन नहीं कर सकती हूँ गाइस। मैं पहले से बता रही हूँ, मैं इतना गंदा कमेंट सहन नहीं कर सकती हूँ। रिंदी बिंदी यार, क्या किया था मैंने यार? किसी का सोया था, किसी का साथ घूमा था, मैं तो अपना पति के साथ सोती हूँ, खाती हूँ, फिरती हूँ, ऐसा तो कुछ गलत काम नहीं किया है मेरे हिसाब से। और भी कमेंट आता है,
इंग्लिश बोलना नहीं आता है, हिंदी बोलना नहीं आता। हाँ गाइस, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं आता है, हिंदी भी बोलना नहीं आता है, क्योंकि मैं इतना पढ़े लिखा नहीं हूँ। मैं बस 9 तक पढ़े हूँ। मेरा हिसाब से जितना हो पा रहा मैं उतने ही कोशिश कर रही हूँ। मैं मुझे भी मन करता है यार कोई कुछ इतना कुछ वीडियो वगैरह बना रहे हैं, ये कर रहे हैं वो, मुझे भी मन करता है मैं भी कुछ करूँ, कुछ कमाऊँ, कुछ दिखाऊँ, ये सब मन करता है मुझे भी। तो आप लोग उसमें जाके इतना भर 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 के गंदे गंदे कमेंट करते हैं। आप लोग को ऐसा गंदा कमेंट नहीं करना चाहिए था कि रिंदी बिंदी। अगर कुछ गलत हो रहा है तो हाँ प्रियंका ये मत करो वो मत करो, आप लोग ये बोल सकते हैं। तो आप लोग ये सब बोलते हैं तो मुझे भी अच्छा लगता है। मैं आप लोग भी एक मेरा यूट्यूब का फैमिली मेम्बर हो, तो आप लोग ऐसा नहीं है ऐसा नहीं है आप लोग बोल सकते हो वो बात। तो रिंदी बिंदी ये कौन सा वर्ड हो गया गाइस, ये सब बोलना मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा है, ये सब और पसंद भी नहीं है ये कमेंट। मैं आज तक किसी को, मैं लड़की होकर मैं लड़की को कभी रिंदी नहीं बोलती, क्योंकि मुझे खुद गुस्सा आता है ये वर्ड सुन के भी। मैं चाहे जितना भी गलत करे, लड़ाई करे, झगड़ा, मैं रिंदी वर्ड इस्तेमाल नहीं करती हूँ। और आप लोग भी एक मेरा फैमिली मेम्बर हो, यूट्यूब का फैमिली मेम्बर, तो आप लोग ऐसा मत बोलिएगा गाइस। अगर वीडियो नहीं देखना पसंद है तो मत देखिए। अगर कुछ गलत हुआ, कुछ गलत बोल दिया, तो आप लोग उसमें बोलिए कि हाँ इसमें गलत हो गया, उसमें गलत हो गया है। इतना भर भर के गंदा गंदा कॉमेंट आ रहा है, मेरा तो दिमाग ही ख़राब हो गया था। और मुझे ये सब बोलना नहीं चाहिए, बुरा भी लग सकता है, लेकिन जो अच्छा कमेंट करता है उसको तो बुरा नहीं लगेगा, जो गंदा कमेंट करता है उसको ही बुरा लगेगा। मुझे तो वो पता नहीं सर, लड़की सबसे ज़्यादा मेरा वीडियो तो लड़की ही देखती है, लड़का तो इतना कम देखते हैं, क्योंकि मेरे में सिर्फ लड़की ही है सब्सक्राइबर लोग। तो लड़की हो के ये गंदा वर्ड वो इस्तेमाल करते हैं यार, बहुत ही ज़्यादा गंदा लगता है। और बहुत सारे लड़की भी कमेंट करते हैं मेरे में, उन लोग खुद लड़की अगर उन लोग के ऊपर कुछ बोल देंगे तो कैसा लगेगा उन लोग को, बुरा तो लगेगा ना। तो इतना भी बोलने के लिए मन नहीं हो रहा गैस, जो चाय बनाया था वो ठंडी हो जाएगा, तो पहले मैं चाय बना वो पी लेती हूँ। उसके बाद आज तो हम लोग को यहाँ पे सब्सक्राइबर ने बुलाया है, तो वहाँ पे जाएंगे खाना खाने के लिए, क्योंकि आज हम लोग का यहाँ पे लास्ट दिन है, तो कल हम लोग यहाँ से चले जाएंगे। वैसे भी घर जाने के लिए मन हो रहा है, मेरा खेती बाड़ी का तो सीज़न ही आ गया है, तो उसे भी करना ही पड़ेगा। देखो वीडियो बनाते बनाते चाय भी ठंडा हो गया, और यहाँ पे ब्रेड मैंने गरम कर लिया, और अंडा भी दे दिया साथ में, कहाँ गया ये, हाँ अंडा भी दे दिया है। तो अभी मैं खाऊंगी गैस, खाऊंगी भी पीऊंगी भी, ये तो खाएगा भी नहीं पिएगा भी नहीं ये, क्योंकि ये चाय नहीं पीता है, बस खाना ही खाता है मेरा चिकनबा। और गैस हम लोग यहाँ पे सोते हैं। अभी मैंने फोन कपड़ा वगैरह इधर उधर रख दिया है नहा धो के ना, तो अभी हम लोग को जाना है सब्सक्राइबर का घर पे। और यहाँ पे सब लोग मूवी देख रहे हैं, कौन सा मूवी चल रहा है, पठान, हाँ पठान का मूवी। ये भी जाएगा ना हम लोग का हीरो, हीरो गर्लफ्रेंड वाला हीरो। गाइस देखो ना चप्पल लेने के लिए जाते हो, लेकिन चप्पल ही अच्छा नहीं लगता है मुझे, ये देखो मेरा चप्पल पूरा खत्म हो गया, नया चप्पल लेना पड़ेगा, घर भी नहीं पहुँचूंगी मैं ये चप्पल से। तो गाइस हम लोग पहुंच गए हैं अपना दोस्त का घर पे, और यहाँ पे देखो ना इतना अच्छा लग रहा है, हवा आ रहा ऊपर से, और ये लीचू का पेड़ भी है, साया है, यहाँ पे बैठ के आराम से सब लोग कपड़े सपड़े कर रहे हैं, और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक वगैरह निकाल रहे हैं। उसमें क्या बन रहा है, वो काला दाल, काला दाल सोबाई, काला दाल बोल रहे हैं सोबाई। गांधी को सब कुछ पता है गांधी, कि महात्मा गांधी, इसलिए इसको पता है। और गैस यहाँ पे ना गुहाबा का पेड़ है, अमरुद हम लोग बोलते हैं, गोयम, गोयम का पेड़ है इधर, तो यहाँ से मैं गोयम तोड़ूंगी। ये गोयम पकने वाला सीजन है या नहीं है मुझे पता नहीं गैस, शायद हो भी सकता है। ये वाला तोड़ ली तू, पता नहीं मीठा हुआ या नहीं हुआ, कभी खा के देख ले तू एक बार। और देखो यहाँ का अदरक इतना अच्छा भी नहीं होता है ना, हम लोग को उधर तो बहुत अच्छा अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ का मिट्टी पूरा सूखा सूखा है, देखो ना पूरा सूखा सूखा है ना, इसलिए इतना अच्छा नहीं होता है। और यहाँ पे देखो ये वाला मिर्ची,
ये वाला मिर्ची का पेड़ ना गैस, अगर किसी पेड़ का नीचे में लगाओगे तो बहुत सारा मिलता है, ऐसे करके लगाने से इतना नहीं मिलता है। और यहाँ पे सब लोग खाना खा रहे हैं, देखो इधर सब लोग खाना खा रहे हैं, ये भी खा रहा है, हम लोग का हीरो गर्लफ्रेंड वाला हीरो और मेरा हीरो भी खाना खा रहा है। और इसका वीडियो शूट करते करते मेरा तो पूरा पसीना ही निकल गया है और खाना भी खाने के लिए नहीं मिला। अभी मैं खाऊंगी गाइस खाना। यहाँ पे है मेरा थाली, देखो यहाँ पे है छोटाला मछली और ये कौन सा दाल वाला था, काला दाल, काला दाल और चिकन का साथ ना, वाओ पूरा यम्मी यम्मी लग रहा है गाइस। लोकल चिल्ली छोटा मिर्ची, ओ मिलामसू को याद आया छोटा मिर्ची बोल के, क्योंकि मिलामसू को हम हमेशा छोटा मिर्ची बोलाते हैं। और यहाँ पे देखो केकरा, मैं तो एक पीस ले लूँगी बड़ा वाला। एक्चुअली ना गैस आज मैं वीडियो में बोल रहा हूँ, मेरा दादू का नाम भी हंगरा है, तो हम लोग केकरा को हंगरा बुलाते हैं, आज पहली बार बोल रही हूँ। और दोस्तों मौसम इतना ज़्यादा अच्छा हो गया है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा है और ठंडा भी है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इतना सारा पेड़ पौधा है ना, हवा भी चल रहा है। और उन लोग का घर, वो मम्मी का घर ही है उसका, जो हम लोग को बुलाया दोस्त का घर, उसका मम्मी पापा का घर है ये। और इतना सुंदर सुंदर फूल है। और यहाँ पे देखो ना कोकोनट, इतना सारा कोकोनट है यहाँ पे, उस तरफ भी है और इस साइड भी, तो पूरा ठंडा ही ठंडा है क्योंकि यहाँ पे भी पेड़ पौधा है ना, तो इसलिए ठंडा है। और ये है स्टार फ्रूट, काफ़ी सारा है। और मैंने सोचा था ना रूपम मामा का जो स्टार फ्रूट पेड़ है तो वहाँ का जब मिलता होगा, पूरा खा के खा लिया तो मुंह में डाल लिया तो पूरा खट्टा, मेरा मुंह तेरा हो गया था। और खाना बहुत ही अच्छा था और बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट वगैरह था गाइस, बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। और यहाँ पे सब लोग बैठे हुए हैं और इसको क्या बोलते हैं, पुकुरी, पुकुरी ना क्या बोलते हैं, हाँ पुकुरी होगा जो मछली वगैरह रखते हैं, ये पुकुरी है। और यहाँ पे छोटा सा एक नदी है, लेकिन पानी की वजह से नदी पूरा गंदा हो चुका है। कभी अच्छा हवा आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे बैठ के आराम से ये गांधी वीडियो गेम खेल रहा है। और हम लोग का जो छोटा हीरो है कोको कोला, कैसा लगा यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लगा। और सबसे ज्यादा क्या अच्छा लगा है, क्या अच्छा लगा है सबसे ज्यादा? यहाँ पे रहने के लिए। खाना अच्छा नहीं लगा? खाना अच्छा नहीं था, खाना तो लाना फूल गई। लाना नहीं मतलब खा के कैसा लगा, खाना खा के कैसा लगा है? अच्छा लगा है। तो हम लोग यहाँ पे खाना खाया, बहुत टाइम हो चुका है अभी। कौन खाया? दाव बेदर खाया। तुम्हें क्या अच्छा लगा है? दाव बेदर केकरा, केकरा इसको केकरा पसंद है, केकरा बोल रहा है। तो यहाँ पे कुछ गिफ्ट दिया है, तो अभी तो मैं नहीं दिखाऊंगी, घर पे जाके मैं अलग, हाँ अनबॉक्सिंग करूँगी, अलग सा वीडियो बनाऊंगी मैं। तो अभी हम लोग चलते हैं ना, अभी जाएंगे हम लोग, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो रहा है ना, मोबाइल भी चार्ज कर खत्म हो गया। और यहाँ पे सुंदर सा कन्या, कन्या शर्मा रही है। और तुम क्या हो, हम लोग का हीरो गर्लफ्रेंड होल्डर। बाय बाय, ये तो नहीं जाएगी, यहाँ पे रहेगी ये। बाय बाय आपको, बाय बाय, फिर मिलेंगे ना, हाँ फिर मिलेंगे, बाय बाय। और दोस्त का घर से भी आ चुका है खाना वगैरह खा के, ये भी आ चुका है, ये तो पूरा इसको देख रहा है बकरी को। क्या कर रहे हो तुम, उसको डिस्टर्ब मत करो, मत मारो, दर्द होगा उसको, मत मारो, ऐसा मत करो, खराब बात है ना। नहीं बस वो ऐसा ही, मत मारो, इधर आओ, इधर आओ, इधर इधर इधर। हम लोग कल शाम को ही मार्केट वगैरह गए थे, तो वो वीडियो भी यहाँ पे डाल दूंगी मैं, तो आप लोग थोड़ा इंजॉय करके देख लेना गाइस। अभी हम लोग ब्यूटी पार्लर में पहुँच गए हैं और हम लोग का साथ ये भी आया है हीरो। तुम क्या कराओगे, बाल कटवाओगे या कुछ ये उकारोगे, बताओ? हैं, कुछ नहीं करोगे, बस मुझे देखते रहोगे, हम क्या करते हैं वही देखोगे। पर हीरो और गैस आईब्रो बनाने में इतना ज्यादा दर्द कर रहा था, बहुत ही ज्यादा जल रहा था मेरा।
कर रहा था और देखो इतना अच्छे से कर रहा है, मेरा तो पूरा आके ही जल रहा था। और मेरा कैमरामैन हो गया मेरा दोस्त और यहाँ पे मैं देख रही हूँ खुद को कैसा हुआ है, लेकिन अच्छा तो लग रहा है गाइस। और फिर से यहाँ पे दुकान में आए हैं हम लोग चप्पल लेने के लिए, क्योंकि मेरा चप्पल ख़त्म हो रहा है, जाते जाते घर पहुँचते पहुँचते चप्पल ही नहीं रहेगा। जो पहले वाला दुकान में गया था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा महंगा बोल रहा था, फिर से हम लोग दूसरा दुकान में आए हैं चप्पल खरीदने के लिए। ये सही था ना। अभी शाम भी हो रहा है तो मैं कल से वीडियो अपलोड नहीं किया हूँ, तो आज मैं जल्दी ही वीडियो अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगी। तो आप लोग भी मेरा वीडियो को जो मुझे अच्छा लगता है उन लोग को पूरा मेरा वीडियो को वर्थ करता रहता है, कॉमेंट करता है कि नई वीडियो अपलोड कर रहे हो, तो इसलिए मैं आज मैं वीडियो अपलोड जल्दी अपलोड करने के लिए कोशिश करूँगी जितना हो सके, जितना मिनट मिले मुझे। और मुझे ये वीडियो को एडिटिंग करके अपलोड भी करना है। और सुबह जो मैंने बात बताया था गाइस, बुरा मत बनना, क्योंकि मुझे भी गुस्सा आ गया था कमेंट देख के, जो जो मुझे गंदा गंदा कमेंट करता है, मैंने उसको उन लोग को ही अच्छे से बोला है। मेरे हिसाब से मैंने अच्छे से बोला है कि दोबारा मुझे इस तरह से बात ना करें, कमेंट ना करें, कि गंदा गंदा वर्ड इस्तेमाल ना करें। बोल सकते हैं हाँ ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ, लेकिन ये सब नहीं बोलना चाहेगा। मैं भी एक लड़की हूँ, मुझे भी दर्द होता है ये सब देख के सुन के। और तो मिलते हैं ना दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, हम लोग यहाँ से कल जाएँगे और हम लोग का तो 1:20 में ट्रेन है बोल रहा बैतूल, तो यहाँ से हम लोग को सुबह ही निकल जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ से जो रंगिया होता है थोड़ा दूर पड़ता है ना, इसलिए खाना खा के जल्दी हम लोग निकल जाएंगे। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, लव यू गाइस।